हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी मेडिकल के यूट्यूब चैनल पर। हम आज बात करेंगे कार्डियक टैम्पोनेंट के बारे में। कार्डियक टैम्पोनेंट क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं आज कार्डियक टैम्पोनेंट के बारे में। तो मान लो ये हार्ट है। क्या है ये हार्ट? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार। ये हार्ट के चार चैम्बर, ये राइट एट्रियम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और हार्ट की कितनी लेयर होती है? तीन। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, या एपिकार्डियम। दूसरी लेयर कौन सी थी? मायोकार्डियम। और तीसरी एंडोकार्डियम। ठीक है, क्या होता है? हार्ट में तीन लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब इसके बारे में हम समझते हैं कार्डियक टैम्पोनेंट होता क्या है। कार्डियक टैम्पोनेंट एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड। पेरिकार्डियल फ्लूड का एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सिक्रेशन होने लग जाता है, और उसमें क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है या फ्लूड हो सकता है। कॉल्ड कार्डियक टैम्पोनेंट, यानी एक्सेसिव फ्लूड का सिक्रेशन हो जाता है। किसका? पेरिकार्डियल फ्लूड का। कहाँ पे? पेरिकार्डियल स्पेस में। वो कंडीशन क्या कहलाती है? पेरिकार्डियल स्पेस इन्फ्यूजन या कार्डियक टैम्पोनेंट। अब इसकी बात करते हैं, इसका नॉर्मल फ्लूड कितना होता है? 15 से 50 ml। कितना? कौन सा? नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूड। अब कैसे, जैसे ये पेरिकार्डियल स्पेस है, ठीक है, अब पेरिकार्डियल स्पेस में नॉर्मल फ्लूड कितना है? 15 से 50 ml। अब इससे ज़्यादा जो फ्लूड होगा वो कार्डियक टैम्पोनेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या क्या साइंस इंप्रूव आएंगे? जुगलार वेन डिस्टेंशन, यानी जुगलार वेन डिस्टेंशन यानी फुली हुई नजर आएगी, और मफल्ड हार्ट साउंड, हार्ट की साउंड कैसे आएगी? मफल्ड। अब समझते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो, ये है अपने हार्ट की लेयर है। पेरिकार्डियम किससे बनी हुई होती है? दो से, फाइब्रस और सिरोसस से। अब फाइब्रस कौन सी होती है? आगे वाली, और सिरोसस बीच वाली। अब सिरोसिस को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं कि पेराइटल और विसरल। अब पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। अब इस पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूड एक्यूमुलेट होगा, जो फ्लूड जमा होगा, नॉर्मल कितना है? 15 से 50। जो ये फ्लूड जमा हुआ है ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से, तो ये क्या कहलाता है? कार्डियक टैम्पोनेंट। मतलब समझ में आया आपको क्या हुआ? हार्ट की तीन लेयर है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। अब पेरिकार्डियम को भी दो से पढ़ते हैं, फाइब्रस और सिरोसिस। अब फाइब्रस को ये होगी बार वाली, ठीक है, और हमको कार्डियक टैम्पोनेंट के बारे में बात करते हैं तो हम किस सिरोसिस की बात करेंगे। अब सिरोसिस होती है, सिरोसिस को भी दो में बांटा गया हुआ है, विसरल और पेराइटल। अब पेराइटल और विसरल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। अब इस पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूड जमा होता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक टैम्पोनेंट कंडीशन कहलाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? जुगलार वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा और मफल हर्ट साउंड सुनाई देगी। एक और बात कहते हैं, क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड एंड ब्लड कॉल कार्डियक टैम्पोनेंट या पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। जो एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है पेरिकार्डियल फ्लूड का, किसमें? कार्डियक टैम्पोनेंट, पेरिकार्डियल स्पेस में, वो क्या कहलाता है? कार्डियक टैम्पोनेंट और पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। आपको इससे कोई भी समझ में नहीं आई, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।